हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? नए दिन की नई शुरुआत। सो गाइस, एक छोटे से ट्रिप की आज मैंने प्लान बनाया है। तो हम जा रहे हैं यहाँ से वन डे ट्रिप के लिए उदयपुर के लिए, जो कि यहाँ से करीबन 260 किलोमीटर है। तो एक नए रिसोर्ट को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं फैमिली के साथ में। तो चलो चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं और पूरा जर्नी एंजॉय करेंगे आपको मेरे साथ में, विकास आहूजा ट्रैवल ब्लॉग के साथ में। तो चलो चलते हैं और जर्नी स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं हम कहाँ कहाँ घूमते हैं और वो रिसोर्ट कैसा है, क्या क्या एमिनिटीज है, सब कुछ मैं बताऊंगा ये वीडियो में। तो जुड़े रहिए ये वीडियो के साथ में, मिलते हैं, चलो जर्नी स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, तो अभी मैं निकल गया हूँ उदयपुर के लिए। तो यहाँ से कुछ 250 किलोमीटर की दूरी है। ऐसा हमारा रोड दिखता है, ऐसा लग रहा है फॉरेन में ट्रैवल कर रहे हैं। काफ़ी सारी डेवलपमेंट हो गई है अहमदाबाद में, तो आप लोग भी आइए अहमदाबाद। हम राजस्थान जा रहे हैं आज, तो एक अच्छे वीआईपी रिसोर्ट में एंजॉय करने के लिए। तो चलो चलते हैं। और यहाँ से अहमदाबाद से उदयपुर की दूरी कुछ 250 किलोमीटर है, तो करीबन आराम आराम से जाएंगे, 4-5 घंटे में ये दूरी पूरी कर देंगे। और चलो चलते हैं, जहाँ जहाँ भी रुकेंगे वहाँ वहाँ आपको बताएंगे कहाँ पे क्या किया। तो जुड़े रहिए मेरी वीडियो के साथ में, आप भी मजे लीजिए वीडियो में और हम भी मजे लेते हैं पर्सनली। चलो चलते हैं और ये सफर को शुरू करते हैं। चलो बैठेंगे, मस्ती करेंगे, जैसे ही नींद आएगी तो सो जाएंगे। दिव्यांश हाय बोलो, हाय हाय बोलो, हाय हाय बोलो, यूट्यूब बोलो, यूट्यूब यूट्यूब। सो गाइस, देखो हमारे बच्चे जी भी बोल रहे हैं यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो। तो आपको कोई भी पार्ट ये वीडियो में पसंद आवे तो सब्सक्राइब जरूर करना और जुड़े रहिए वीडियो के साथ में। अभी हमने कुछ 20-25 किलोमीटर कवर किया है, अभी आगे 50 किलोमीटर के बाद हिम्मतनगर आएगा तो वहाँ पे एक स्टॉप लेंगे। तो चलो चलते हैं और ये सफ़र को एंजॉय करते करते चलते हैं। सो गाइस, देखो जब आप हिम्मतनगर जाते हो तो पहला टोल टैक्स ही आता है। यहाँ से प्रांतिज कुछ 7 किलोमीटर है ये टोल टैक्स के बाद में। और यहाँ पे कई लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे आम पाइनएप्पल खाने के लिए, इतना मस्त ताजा ताजा फ्रेश, ये भी मजे ले सकते हो आप पाइनएप्पल और आम के। तो चलो चलते हैं। टोल टैक्स का कितना पैसा कटता है वो भी आपको मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में। हमारा फास्ट टैग लगा हुआ है तो जब मैसेज आएगा तो अब आपको बता देंगे। करीबन 30-40 रुपीस होता है नॉर्मली, फिर भी आपको एग्जैक्ट बता देंगे। तो चलो चलते हैं। अब यहाँ से 7 किलोमीटर के बाद जब प्रांतिज जाएगा तब थोड़ा आपको व्यू दिखाएंगे। सो गाइस, देखो अभी यहाँ से हिम्मतनगर कुछ 21 किलोमीटर की दूरी है और हम प्रांतिज पहुँच चुके हैं। और अपने गुजरातियों का फेवरेट सामला जी 69 किलोमीटर दूर है बॉर्डर। तो चलो चलते हैं और अभी करीबन 15-20 मिनट में हिम्मतनगर भी पहुँच जाएंगे और वहाँ का भी नज़ारा दिखाएंगे। मौसम काफ़ी धूप काफ़ी है, रोड एकदम क्लियर है संडे की वजह से। तो कभी भी आप आइए, प्रिफर करिए संडे को आइए और फास्ट फास्ट निकल जाइए और फास्ट फास्ट अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाइए।
सो गाइस अभी देखो फाइनली हम हिम्मत नगर पहुंच गए हैं, और हिम्मत नगर जब पहुंचते हो तो होटल लैंडमार्क आएगी, समझना आप हिम्मत नगर पहुंच गए और सामने ही भारत पेट्रोलियम आएगा। तो कुछ इस तरह ये हिम्मत नगर का सर्कल है, और यहाँ पे हरिओम की दाल बाटी फेमस है, तो कभी भी आइए तो दाल बाटी जरूर खाइए। और एक रास्ता ये साइड जाता है अंबाजी की तरफ, और एक रास्ता जाता है शामला जी की तरफ, तो कभी भी ये ब्रिज देखो, तो अभी बन रही है ब्रिज, कभी ये ब्रिज देखो तो राइट साइड चले जाना, वो शामला जी की ओर जाएगा, शामला जी उदयपुर के साइड। तो चलो चलते हैं, अभी हमारा नेक्स्ट स्टॉप है शामला जी, जो यहाँ से करीबन 45 किलोमीटर दूर है। तो चलो चलते हैं और शामला जी पे अभी स्टॉप करते हैं। सो गाइस देखो कुछ इस तरह रोड बन गए हैं, जब भी आप उदयपुर जाते हो एकदम नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन, हरियाली हरियाली सब जगह देखिए। तो अभी हम 11 किलोमीटर दूर है शामला जी पहुंचने वाले हैं, और वहां पे भी एक स्टॉप लेंगे, तो वहां पे भी जो कुछ भी करेंगे तो आपको जरूर दिखाएंगे। राजस्थान बॉर्डर में एंटर होते हुए ये देखिए, ये नजारे देख के आपको पता तो चल ही गया होगा कि हम बॉर्डर में एंटर हो रहे हैं, पहाड़ी पहाड़। क्रिश आहूजा जी आ गए हैं आगे, छोटे मियां सो गए, बड़े मियां आगे आगे। और क्रिश कहाँ जा रहे हो आप, ऑडियंस को बताओ। उदयपुर। उदयपुर जा रहे हो, उधर जाके क्या करोगे? होटल में बैठूंगा। तो हमारे क्रिश जी वहाँ पे होटल में बैठेंगे, स्विमिंग करेंगे, और क्या खाओगे पियोगे? वो उधर जाके देखेगा। तो चलो हम भी दिखाएंगे उधर जाके क्या करता है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ में, कोई भी चीज आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो मिलते हैं 11 किलोमीटर के बाद शामला जी पे, और वहाँ पे हम क्या करते हैं वो भी आपको बताते हैं। चलो शामला जी क्रॉस कर लिया है, और अब यहाँ पे हम थोड़ा छोटा सा ब्रेक लेंगे किंगफिशर पे। तो चलो चलते हैं और थोड़ा पेट पूजा करते हैं और आगे की कहानी आपको बताते हैं। तो देखो ये कुछ जगह है, अभी हम यहाँ पे रुकने वाले हैं। अभी हम शामला जी में बैठे हैं किंगफिशर में, और यहाँ का कुछ इस तरह का नज़ारा है जो आप मेरी वीडियो में देखोगे। और यहाँ पे रिलैक्सिंग कर रहे हैं अभी, और अभी खाना खाएंगे फिर आगे उदयपुर के लिए निकल जाएंगे। यहाँ से कुछ उदयपुर 2 घंटे का रास्ता और है, तो चलो चलते हैं, पहले पेट पूजा करते हैं फिर आगे का सफर शुरू करते हैं। देखिए क्रिश काफी भूखा सा हो गया है किंगफिशर में, खाते ही जा रहा है, काफी तेज भूख लगी थी इसको, तो रुकना तो जरूरी बनता है। गाइस देखिए ये कुछ इस तरह का चना चाट मंगाया हमने, और ये गर्मा गर्म पकौड़े, ये देखिए आहा मस्त टकाटक, और अभी आएगा मजा। सो गाइस फाइनली हम यहाँ से निकल रहे हैं अभी उदयपुर के लिए। तो ये कुछ ऐसे दिखता है पीछे, आई लव रावल राजपूत, रावल रतनपुर करके। तो चलो चलते हैं, अभी यहाँ से 2 घंटे और लगेंगे उदयपुर पहुँचते हुए, तो चलो आगे की चीज़ आपको एक्सप्लोर कराते हैं जब पहुँचते हैं, चलो जुड़े रहिए। तो गाइस अभी हम उदयपुर पहुँचने वाले हैं, खाली 15 किलोमीटर दूर है अभी उदयपुर से।
अभी टाइम हो गया है करीबन 2:30 बज गए हैं, तो लगभग 3 बजे तक हम पहुंच जाएंगे जो ऑफिशियल टाइमिंग रहता है रिसोर्ट का। तो चलो चलते हैं, बस अभी यहाँ से 15-20 मिनट का रास्ता है वो कवर करके फिर आपको दिखा दे हमारे रिसोर्ट की झलक। तो जुड़े रहिए और एंजॉय करिए वीडियो का, चलो चलते हैं। सो गाइस देखिए हम फाइनली उदयपुर में एंटर हो चुके हैं। ये है उदयपुर सिटी, ये देखिए लेक जबरदस्त। और अभी यहाँ से कुछ 15 किलोमीटर हमारा रिसोर्ट है, तो अभी जा रहे हैं, ऑन द वे है, और वहां जाके आपको दिखाते हैं नजारा हमारे रिसोर्ट का। तो चलो चलते हैं और नजारे दिखाते हैं आपको। सो गाइस फाइनली हम रिसोर्ट की तरफ है, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी है। रास्ता काफी खराब है बट कोई कुछ अच्छी चीज देखने के लिए, भाई वो बोलते ना लाइफ में स्ट्रगल तो करना पड़ता है, तो ठीक है कोई बात नहीं, छोटा मोटा रोड चलता रहता है। तो चलो चलते हैं, बस यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर की दूरी है, तो 1 किलोमीटर की दूरी खत्म होते ही आपको हम दिखाएंगे हमारा प्यारा सा रिसोर्ट। तो चलो चलते हैं। और ये देखो बाजू में प्यारी सी लेक है, दिखाता हूँ मैं आपको। काफी सारे झाड़ आएंगे बीच में बट थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ये देखिए कोई बात नहीं, रिसोर्ट चल के इससे भी अच्छी दिखाएंगे। देखो कितना प्यारा सा है, रोड थोड़ा खराब है 1-1.5 किलोमीटर के लिए बट चलेगा कोई बात नहीं, कुछ अच्छी चीज देखने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कहीं। तो चलो चलते हैं, बस 1 किलोमीटर बाद आपको दिखाते हैं। ऐसा हमारा प्यारा सा रिसोर्ट है, कुछ इस तरह दिखता है। देखो कुछ इस तरह का व्यू दिखता है पीछे की तरफ, एकदम फर्स्ट क्लास। और ये है हमारा शानदार सा रूम आज के लिए, कुछ इस तरह दिखता है रूम, देखिए देखिए कुछ इस तरह रूम दिखता है। तो अभी हम आ गए जाना रिसोर्ट में, जो आज की रात का हमारा स्टे है, एकदम एक्सक्लूसिव रूम है हमारा। सामने गार्डन है और सामने व्यू है, पूरा लेक व्यू है। तो देखिए किस तरह दिखता है व्यू। रिसोर्ट के रूम में कुछ इस तरह हमारा रूम दिखता है, ये देखो बाहर लेक व्यू है, एकदम फर्स्ट क्लास है। और कभी भी आप आओ फैमिली के साथ में, एकदम फर्स्ट क्लास एंजॉय करोगे। और ये उदयपुर सिटी से काफी बाहर है, तो वो सोच के आना कि यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं। और कभी भी आप ये रूम रखो तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब रखना, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं पड़े। तो कभी भी आओ जाना रिसोर्ट में जरूर रुको, और एकदम फर्स्ट क्लास रूम है। और व्यू व्यू की बात करें तो व्यू तो एकदम फैंटास्टिक है, देखो सामने ही लेक दिखता है। तो आज का हमारा प्रोग्राम यहाँ पे रात रुकने का है, तो चलो चलते हैं और एंजॉय करते हैं।
is down, what's left is right. Chasing stars and hope. Good morning guys, कैसे हो आप लोग? नए दिन की नई शुरुआत। तो अभी बज गए सवेरे के 8, तो अभी जा रहा हूँ मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। बच्चे अभी तक सो रहे हैं, तो पहले सोचता हूँ कि यहाँ की फेमस कड़ी कचौरी खाई जाए। तो मॉर्निंग का व्यू कुछ इस तरह फैंटास्टिक दिखता है। ऐसे देखिए मेरे पीछे का व्यू। तो चलो चलते हैं और कुछ यहाँ का स्पेशल कुछ खाते हैं, और हम भी खाते आपको भी दिखाते हैं। तो आप नेक्स्ट टाइम आओ तो आप भी खा सको। तो चलो चलते हैं और यहाँ की कड़ी कचौरी को एंजॉय करते हैं। फाइनली ये रिसोर्ट को टाटा बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। हमने अभी चेकआउट कर लिया है, तो अभी जा रहे हैं। वहाँ पे हमारी कार खड़ी है, तो यहाँ से बैठ के 3 से 4 घंटे में पहुँच जाएंगे अहमदाबाद की ओर। और काफ़ी एंजॉय किया, और आप वीकेंड में यहाँ पे आ सकते हो, सैटरडे संडे फैमिली के साथ में। काफ़ी सारी एमिनिटीज़ भी है, स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल भी आपको एक इन्फिनिटी पूल जैसा फीलिंग आएगा। तो चलो चलते हैं और वापस घर की ओर।